जो पहले बीएड का फीस 1 लाख रुपया था उसको बढ़ा के 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है ये जो बीएड में फीस बढ़ोतरी हुई है उसको राजभवन द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसको जो बीएड कॉलेज है उसमें जो सुविधा है, उसमें जो शिक्षक हैं, उसमें जो व्यवस्था है उसको जांच करने के बाद ही ये फीस लागू होगा। लेकिन यहाँ के बीएड के जो माफिया है, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्गत जितने भी बीएड के माफिया आते हैं उन लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 1.5 लाख रुपया लागू हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि 1 लाख से फीस बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। जिस कॉलेज का जिस जैसा व्यवस्था होगा उसी अनुसार उसका फीस होगा, लेकिन ये बीएड माफिया हाई कोर्ट के फैसले को भी गलत रूप से पेश कर रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों हम लोग 6 दिनों तक कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पे थे और वहाँ पे डीसी से वार्ता हुई थी जिसमें डीसी ने कहा था कि 2016-18 और 17-19 के छात्रों को जो पुराना फीस 95,000 रुपया है उसी फीस पे फॉर्म भरना है, लेकिन ये शिक्षा माफिया मधेसर सिंह, अजय सिंह, अरविंद सिंह ये लोग जब छात्र फॉर्म भरने आते हैं तो शपथ पत्र का बहाना देकर, हाई कोर्ट का बहाना देकर अपने कॉलेज में तालाबंदी करते हैं। ये तालाबंदी सिर्फ बीएड के जो फॉर्म भरने वाले छात्र हैं उसी के लिए लोग तालाबंदी करते हैं, इसके अलावा इनके कॉलेज में सारा काम चालू रहता है। यहाँ पे नए छात्रों का क्लास भी चलता है, कर्मचारी भी आते हैं और सब कुछ होता है। हम लोग का कहना है कि हम लोग जब नामांकन कराए थे 2016 में उस समय हमारा फीस 95 रुपया था मात्र, लेकिन ये शिक्षा माफिया आज कह रहे हैं कि हम लोगों को 1.5 लाख रुपया दो। हम लोग अगर उसी समय 1.5 लाख रुपया फीस हो जाता तो हम लोग नामांकन नहीं कराते। जब हम लोग नामांकन करा लिए तो ये शिक्षा माफिया लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया दो। इसीलिए आज हम लोग प्रतिवाद मार्च के माध्यम से या आप सब कॉलेज और माता मंजारू कॉलेज से प्रतिवाद मार्च निकालते हुए आज नयका टोला मोड़ पे पहुंचे हैं और हम लोग को यही कहना है कि हम लोग पुराने फीस पे ही फॉर्म भरेंगे। अगर तुम फॉर्म भरने में सक्षम नहीं हो, तुम फॉर्म नहीं भरना चाहते हो तो हम लोग जो 95,000 रुपया तुमको दिए हैं तुम हमारा पैसा वापस कर दो, हमको डिग्री नहीं चाहिए। हम लोग का 95,000 का 2 साल में जितना सूद हुआ वो हम लोग को वापस कर दो। 2 सालों तक जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, 2 सालों तक जो हम यहाँ पे आए हैं गए हैं उसका तुम मुआवजा हमको दे दो, हम लोग को डिग्री नहीं चाहिए। दोस्तों ये शिक्षा माफिया छात्रों के आर्थिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी करते हैं। ये लोग छात्रों से कभी परीक्षा फॉर्म के नाम पे, कभी नंबर बढ़वाने के नाम पे, कभी प्रैक्टिकल के नाम पे, कभी एब्सेंटी के नाम पे 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पसीने का काम करते हैं। ये सरकार के किसी भी नियम में नहीं है। और यहाँ के सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ की जो कायर सरकार है, नीतीश सरकार और सुशील मोदी की सरकार, यह सरकार भारी सरकार है और आने वाले दिनों में इस बिहार के धरती पर और भोजपुर के धरती पर नीतीश और मोदी को हम लोग धूल चढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों अब इस सभा को आगे बढ़ाते हुए